हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने SBI की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी और मैंने SBI एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर किया। तो सारी स्ट्रेटजीज पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सबको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि SBI PO और SBI जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए कि 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज़ के लिए 20 से 25 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, और 20 से 25 लाख के बीच एक सीट के लिए फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हैं तो एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, मैं दो टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। एक ऐसे टाइप्स के स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन 1-2 साल से क्लियर नहीं हो रहा है, जिनका प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, वो मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। और दूसरे ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या तो प्रिपरेशन जस्ट शुरू किए हैं, यानी कि वो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगा जिनका प्री एग्जामिनेशन पिछले 1-2 साल से क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बस आपकी मेहनत एक गलत डायरेक्शन में जा रही है और इसीलिए आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट आप कभी भी 2-3 घंटे का टाइम निकाल के खुद को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप अपने लाइफ में एक काम शुरू करिए कि खुद को एनालाइज करना शुरू कीजिए। यानी अगर आपका एग्जामिनेशन 2 नंबर से रह गया, अगर आपका एग्जामिनेशन 4 नंबर से रह गया, तो आप सबसे पहले अपने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स देखिए और सेक्शन वाइज नंबर्स देखिए। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी बेकार हो, तो एक्यूरेसी पर फोकस करिए। हो सकता है आपको मालूम ही ना हो कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सिर्फ आप एक गलत डायरेक्शन में रटते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप गलत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर दे रहे हो और आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको देखिए। या हो सकता है आपके अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही ना हो और आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा रहे हो और डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हो और इस वजह से आपके एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपको जो चीज़ें पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए वो चीज़ें आप बाद में करते हो, जो बाद में करनी चाहिए वो पहले अटेम्प्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मायने नहीं रखते हैं, वो सिर्फ 10 घंटे पढ़ाई करते हैं और पेपर उनका क्लियर नहीं होता है, फिर उनको समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपनी गलती को सीखिए, गलती को पकड़िए कि आखिर में मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं, 1-2 नंबर क्यों रुक जा रहा है, आप ये चीज़ समझिए। तो अब मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो इसमें वो स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाएं जिनका प्री एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए भी फॉलो करेंगी। अगर आपका भी प्री नहीं क्लियर हो रहा है, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, यकीन मानिए आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं या आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन पर ही आपको कवर करना है, इनको ही आपको कवर करना है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में यही आने वाले हैं। अब सबसे जो लाजवाब सब्जेक्ट होता है आप लोग के लिए होता है मैथ्स, आपको बहुत पसंद है, लोगों को बहुत पसंद है, तो आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सबसे पहले मैथ्स में देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, मैथ्स में आप सबसे पहले इंटरेस्ट दीजिए और रीजनिंग में भी आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैथ्स में अगर आपको इंटरेस्ट देना है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैथ्स के जितने चैप्टर्स हैं उनको एक डायरी में नोट करिए। जब आप एक डायरी में नोट करेंगे तो आपको 12 से 13 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मैन वर्क एंड टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह के आपको 12-13 चैप्टर्स मिलेंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिए। अब सीधी सी बात है कि यही पूरा अर्थमेटिक है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन का, 12 से 13 चैप्टर हैं। और अगर आपको इन 12 से 13 चैप्टर्स में कुछ भी नहीं मालूम है, आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं या ऑलमोस्ट आप शुरू कर चुके हैं, तो सबसे पहले एक चैप्टर्स के सामने 5 दिन का टारगेट सेट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ, उन दोनों बुक में से किसी एक को फॉलो करना है। या तो SD यादव की मैथ्स की बुक आती है या तो RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक आती है, इन दोनों में से कोई एक बुक आप खरीद लीजिए। इन दोनों में से इन सारे चैप्टर से 300-350 क्वेश्चंस दे रखे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अब आपने क्या किया,
सपोज करो कि आपको पहले इन 12-13 चैप्टर्स को, मान लो मैं 12 चैप्टर्स लेके चल रहा हूँ, तो इन 12 चैप्टर्स को आपको क्लियर करना है, इसके एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर करना है। तो आप कैसे क्लियर करेंगे? मान के चलिए परसेंटेज एक चैप्टर है और आपने इसके सामने लिख दिया 5 दिन, तो 5 दिन में आपको इसके 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आप SG यादव की बुक लिए हैं या अगर आप RS अग्रवाल की बुक लिए हैं। 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं तो आप वहां जा सकते हैं, आप वहां जाइए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए और वहां पढ़िए और साथ में SG यादव की बुक को सॉल्व करिए। अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग के लिए इनकम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियोस उनके लिए बनाता हूं जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जो समझ ही नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, या जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं जो खर्च कर सकें, तो मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि वो इस चीज़ को समझें। भटकने से अच्छा है कि आप 3-4 साल भटकेंगे और ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इनफैक्ट आपके टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो आपको 2-3 साल भटकना है, आप भटके नहीं, आप डायरेक्ट सेलेक्शन लें, क्योंकि मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बस उनकी डायरेक्शन गलत है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 दिन का टारगेट सेट करेंगे, और अगर आपने RS अग्रवाल की बुक ले रखी है या SD यादव की बुक ले रखी है, तो बहुत सारे YouTube पे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी बुक को सॉल्व करा रखा है। तो आपको क्या करना है, 5 दिन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चैप्टर्स को पढ़ना है। किसी एक टीचर को फाइंड करिए, देखिए किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, उसी टीचर को फॉलो करिए। और मैं किसी टीचर्स का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है कोई टीचर मुझे पसंद हो पर आपको ना पसंद हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टीचर को चुना करिए। सपोज करिए मैं ये सारी बातें अगर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, तो ही आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको 5 दिन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पढ़ना है और 300 क्वेश्चंस लगाने हैं, एक दिन में लगभग 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरह करते करते आपको 12 चैप्टर तक जाना है, और जब आप 12 चैप्टर्स को सॉल्व करोगे तो 12 × 5 यानी 60 डेज में, यानी 2 महीने में एटलीस्ट आप 12 चैप्टर्स को पढ़े रहोगे, 300 क्वेश्चंस लगाए रहोगे और एटलीस्ट आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और फिर यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है 60 डेज का टारगेट बना के। जब 2-3 बार आप एक ही बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ये मैथ्स का फंडा है। रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आता है, पजल्स रीजनिंग में बहुत मायने रखते हैं। फिर ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, आपके सिलॉग्स आ जाते हैं, डायरेक्शन आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रीजनिंग जो है, मैं बताऊंगा कि रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टीचर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सच में बताऊं तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टोटली आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए मैंने आपको 2 बार बता दिया कि कोई भी पजल कैसे सॉल्व करनी है, तो बस हो गया, आप 2 बार तरीका जान जाइए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अब मेरे ही तरीके को आप 10 बार देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, उसी तरीके से आप 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। तो रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। तो अगर आप पजल्स सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने सर्कुलर पजल या लाइन ग्राफ पजल, जो भी पजल्स आते हैं, उन सबको उन्होंने सॉल्व कराया है। उनको देखिए, फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। रीजनिंग के लिए कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो कोई भी आप मॉक टेस्ट, ऑफलाइन बुक आती है, किरण की आती है, अरिहंत की आती है, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की आती है, उसको जाके परचेज कर लीजिए और उसमें बहुत सारे पजल्स रहते हैं, उसको सॉल्व करिए, ब्लड रिलेशन सॉल्व करिए, सिलॉग सॉल्व करिए, सारे चैप्टर्स रीजनिंग पे के भी ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं 8-10, उनका नोट्स बना लीजिए और जिस भी टीचर को फॉलो करना है उसको फॉलो करिए। रीजनिंग आप ऐसे तैयार करेंगे। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। अब देखो, मैंने बताया है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधे घंटे में सब कुछ निपटा देंगे। पूरे दिन में आपको 2-2.5 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 2-2.5 घंटा रीजनिंग पढ़ना है। अब मैं आता हूँ इंग्लिश पर। सेम एज इट आपको इंग्लिश में करना है। अगर आप ग्रामर्स रूल पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आपको ग्रामर रूल्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो ग्रामर रूल्स ज़रूर पढ़ा करिए। ग्रामर रूल्स आप पढ़ेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट होगी। एक बुक आती है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बहुत अच्छी बुक है कॉमन एरर्स के लिए, उसमें बहुत सारे कॉमन एरर दिए हैं। तो अगर आपको रूल्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ग्रामर रूल्स पहले तो याद करिए। जिस भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं उनको फॉलो करिए और ग्रामर रूल्स आप लर्न करिए, अभी से शुरू कर दीजिए जितना आप लर्न करते हैं। और अगर आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी इसका एक आइडिया है। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ
आप अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप कर लीजिए। होता क्या है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं। हम हिंदी इतनी अच्छी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते आए हैं। इंग्लिश की नॉलेज हमें इतनी नहीं हो पाती है क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश बोलते नहीं आए, ठीक है। हम इंग्लिश का कभी कभार ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर रीडिंग स्किल डेवलप करें, यानी आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश की, किसी भी राइटर की, आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, तो इन तीनों में से आप कुछ भी करिए पर डेली करिए। देखिए, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपसे रेगुलरिटी की डिमांड करता है। आपको यही सारी चीज़ें आंख बंद करके हर दिन करनी है और अपनी जो सफलता है वो आपको महसूस करनी है। देखिए, मैं सच बताऊं कि अगर आप अपने सक्सेस को महसूस करते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। अगर आप एक दिन ये सोच रहे हैं कि मैं बैंक में बैठा हूं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एज अ जूनियर एसोसिएट, एज अ ब्रांच मैनेजर, तो अगर आप उस चीज़ को सोच रहे हैं तो यकीन मानो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मुझसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है, तो मैं कहूँगा मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरी एबिलिटी क्या है और मेरी वीकनेस क्या है ये मैं ही जानता हूँ। तो इसी तरह आपके साथ भी है, आपकी एबिलिटी कहाँ पर और आपकी वीकनेस क्या है ये आप जानते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश के लिए आपको मैगजीन पढ़ सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, और उनके वोकैब्स डेली नोट किया करिए और उनको लर्न किया करिए। उसके बाद कुछ क्विजेज आते हैं उसको सॉल्व किया करिए। इतना आपको कॉन्टिन्यूसली करना है फिलहाल 2 या 3 मंथ्स तक। जब आप ये सारी चीज़ें लगातार करते चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए था, तो आपको यही फॉलो करना है। जब 3 मंथ्स तक आप ये फॉलो कर लोगे, यानी मैथ्स के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, रीजनिंग में सब कुछ सॉल्व करने आ जा रहा है और इंग्लिश में भी आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वीडियो था कि जब आप ये सारी चीज़ें 3 मंथ्स तक कर लिए, 3 मंथ्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, 90 दिन का, 90 दिन जब आपने ये सारी चीज़ें कर लिया, यानी आपने 12 चैप्टर्स पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 12-13 चैप्टर्स मैथ्स के, आपने रीजनिंग के भी सारे पजल सॉल्व करना शुरू कर दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। सेम एज इट रीजनिंग के साथ भी करना है, 8-10 चैप्टर्स हैं, उनके नाम लिखने हैं, उसके आगे डेट लिख देना कि 3 दिन तक मैं यही चैप्टर पढ़ूंगा, किसी एक टीचर को सर्च करके फॉलो करना है। और इंग्लिश में क्या करना है, अगर रूल्स लर्न करने में इंटरेस्ट है तो ही रूल्स लर्न करना है, अगर रूल्स लर्न नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग स्किल डेवलप करनी है। चाहे बुक पढ़ो, चाहे मैगजीन पढ़ो, चाहे एडिटोरियल पढ़ो, ये बिगनर्स के लिए। 3 मंथ्स होने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अब मैं बात करूँ उनकी, एक बार मैं उनकी बात करूँगा जिनका प्री एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ है। अगर आपने ये स्टार्टिंग में नहीं किया था, सीधे आप मॉक टेस्ट देने चले गए, तो पहले आप ये साथ करते चलेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई ये आप भी करेंगे। इसके अलावा आप डेली 1 मॉक टेस्ट देंगे, जिनका जिनको 1-2 साल हो चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने मैथ्स के 12-13 चैप्टर्स को क्लियर किया ना हो, आपने रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को क्लियर किया ना हो, या आपने इंग्लिश के सारे रूल्स लर्न ना किया हो, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। और इसके साथ आपको मैं एक एडिशनल काम दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसको बढ़िया से एनालाइज करेंगे, ये आपका काम है। अगर आप इतना मन से करते हैं, अगर आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते हैं और आप अगर अभी से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी बार प्री आपका क्लियर होने वाला है। और जिस दिन आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा, 1 कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब मेरी जानकारी के लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सब्सक्राइबर्स कहीं सिलेक्शन लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं उनके लिए ही काम करता हूँ। अभी देखिए, मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ, मैं 100 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, और अभी क्योंकि मुझे पता है नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोग सो रहे हैं और मेरा काम है आपको जगाना, तो मैं आपको आज जगाने आया हूँ। मैं खुद थका हुआ हूँ, मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको, मैं रास्ते पर ये सोचते आ रहा था कि मैं बिगनर्स के लिए एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बिगनर्स के लिए कि सर बिगनर्स के लिए बनाई, इसीलिए बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से मैंने ये वीडियो शूट किया है कि मैं बिगनर्स के लिए बता दूं कि आपको क्या करना है 3 मंथ तक 2 मंथ तक, ठीक है। और प्री जिनका नहीं क्लियर हो रहा है उनके लिए भी ये चीज़ एग्जैक्ट फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन होगा। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब अगर आपको और भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट किया करिए। जैसे कुछ लोगों को मेंस स्ट्रेटजी नहीं पता चल रही है, आप चैनल पर विजिट करिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कुछ लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करना है ये नहीं मालूम है, तो आप सबसे पहले कमेंट करिए
जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, मुझे लगेगा कि ये एक बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग इश्यू है, इसके बारे में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा मुझे कमेंट दिखेगा किसी एक टॉपिक पे, मैं अगला वीडियो उस पे ही शूट करूँगा। क्योंकि मुझे रिसेंटली मेरे प्रीवियस वीडियो पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि सर बिगनर्स के लिए बताइए, बिगनर्स के लिए बताइए। तो बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आपको दिक्कत हो रही है, ज़्यादा कमेंट आएगा अगर किसी एक टॉपिक पे, तो मैं वही टॉपिक बनाऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा। और अगर आप फॉलो करेंगे तो सिर्फ यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप मुझे मिठाई खिलाने ज़रूर आएंगे। अगर मिठाई नहीं खिला पाए दूरी होने की वजह से, तो एक कमेंट करेंगे। अभी रिसेंटली कुछ बच्चों का RRB PO और क्लर्क क्लियर हुआ, आप जाइए कमेंट सेक्शन में देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया है तो बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको रिप्लाई दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त सिलेक्शन पाए और मुझे अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल अचानक से चेंज हो गई। यकीन मानिए जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया पूरा बदल जाता है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, आपकी पूरी सोसाइटी बदल जाती है, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपके रहने का ढंग बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, जो आपकी बुराई करते हैं वो आपसे दोस्ती करने आते हैं। तो सिलेक्शन का इतना बड़ा फ़र्क दिखता है। तो अगर थोड़ी मेहनत करके आप इतना कुछ बदल सकते हैं तो क्यों नहीं करना, बिल्कुल करिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आप पे हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। आपको कहीं भी दिक्कत हुआ करे, कमेंट क्या करिए, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।